नमस्कार दोस्तों, मैं अमित मिश्रा धानुका एग्रीटेक लिमिटेड की ओर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा धान की फसल में होने वाली कुछ ऐसी समस्याओं की जो फसल के उत्पादन को कम करने में एक बड़ा कारण साबित हो रही है। यह समस्या सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि उन सभी देशों की है जहाँ धान की खेती की जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ धान में लगने वाले दो ऐसे कीटों की जो धान के उत्पादन को काफी हद तक कम करने में एक बड़ा कारण साबित हो रहे हैं। यह कीट धान की फसल की किसी भी अवस्था में फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ तना छेदक, जिसको गोप की सुंडी भी कहते हैं, और पत्ता लपेट कीटों की। यह दोनों कीट भारत के सभी धान उत्पादित राज्यों में धान की फसल को प्रभावित कर रहे हैं। तना छेदक कीट की तितली पीले रंग की होती है। इसके दोनों पंखों पर काले रंग का छोटा निशान देखने को मिलता है। यह तितली धान के पत्ते के पिछले हिस्से पर बैठती है और पिछले हिस्से पर ही अंडे देती है। यह तितली एक बार में 200 से 250 अंडे गुच्छों में देती है। तना छेदक तितली के अंडे पीले रंग के होते हैं। इस सुंडी से ग्रसित धान का पौधा कमजोर हो जाता है और उसके बीज की शाखा को ऊपर की ओर खींचने पर शाखा आसानी से बाहर निकल आती है। तना छेदक सुंडी अंडे के बाहर निकलने के बाद धान के पौधे के निचले हिस्से में तने में छेद करके पौधे में प्रवेश कर जाता है और अंदर ही अंदर पौधे को खाना शुरू कर देता है, जिससे पौधा कमजोर हो जाता है और कुछ समय बाद पूरी तरह सूख जाता है। दूसरी ओर पत्ता लपेट कीट की तितली भी धान की पत्ती पर अंडे देती है। यह तितली भूरे रंग की होती है, जिसका पंख चौड़ा होता है। पत्ता लपेट कीट की सुंडी अंडे से बाहर निकलने के बाद धान के पत्ते के दोनों सिरों को आपस में जोड़ लेती है। उसके बाद पत्ती को अंदर ही अंदर खाना शुरू कर देती है, जिससे पत्तियों पर सफेद धानियां बन जाती हैं। पत्ता लपेट कीट की एक सुंडी अपने जीवन काल में 2 से 3 पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकती है। इस कीट से ग्रसित पौधे में क्लोरोफिल की कमी हो जाती है, जिससे पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाता और धीरे धीरे पौधा सूख जाता है। दोस्तों, धानुका एग्रीटेक लिमिटेड हमारे देश के किसानों की फसल संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों की तना छेदक और पत्ता लपेट कीटों की परेशानी को देखते हुए धानुका एग्रीटेक लिमिटेड ने एक ऐसे उत्पाद की प्रस्तुति की जो इन दोनों कीटों पर प्रभावी ढंग से काम करता है और आज हमारे देश के किसानों की मदद कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक शक्तिशाली तकनीक से निर्मित मोर्टार की। जी हाँ, मोर्टार जो तना छेदक और पत्ता लपेट कीटों के अंडे, सुंडी और वयस्क अवस्थाओं को एक ही बार में मार गिराता है, जिससे फसल को मिलती है लंबे समय तक सुरक्षा। मोर्टार के इस्तेमाल से फसल में कल्लों या शाखाओं की संख्या भी अच्छी हो जाती है और फसल में फाइटोटॉनिक इफेक्ट भी देखने को मिलता है, जिससे फसल स्वस्थ बनी रहती है और उत्पादन में वृद्धि मिलती है। मोर्टार की 200 ग्राम प्रति एकड़ की मात्रा का इस्तेमाल धान की रोपाई के 15 से 30 दिनों के अंदर और दूसरा स्प्रे 200 ग्राम प्रति एकड़ की मात्रा के हिसाब से रोपाई के 45 से 60 दिनों के बीच करने का सुझाव दिया जाता है। मोर्टार के लिए कहते हैं, जब दूर रहेंगे कीट तभी तो होगी आपकी जीत। मोर्टार, देश के किसानों का विश्वास धानुका।